तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है पार्ट टू उस वीडियो का जो कि हमने दो दिन पहले अपलोड करी थी। इसमें हम बिना वैक्यूम क्लीनर के मेरी कार के फ्लोर को क्लीन करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी वैक्यूम क्लीनर नहीं है और फिर भी आपकी गाड़ी के फ्लोर का आप क्लीन करना चाहते हैं तो चलो यार, ब्रश उठाओ, मास्क पहनो और चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हम एक ब्रश की हेल्प से फ्लोर को क्लीन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने फेस पर कोई रुमाल या मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि यहाँ पे जो बारीक बारीक डस्ट है वो हवा में उड़ रही है और आपकी नाक में घुस सकती है, जिससे आपको ज़ुकाम हो सकता है या फिर डस्ट से एलर्जी हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप अपनी आँखों और नाक को अच्छे से कवर करें, उसके बाद ही ब्रश वाली क्लीनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने जो कार की राइट साइड है उसको हमने वैक्यूम क्लीनर से क्लीन किया है और अब हम कार की लेफ्ट साइड को ब्रश से क्लीन कर रहे हैं। ये दोनों वीडियो साथ में रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन लेंथ ज़्यादा होने की वजह से मुझे इसे दो पार्ट में बनाना पड़ रहा है। तो ब्रश वाली प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि हम सिंपली ब्रश के थ्रू जो डस्ट अंदर पड़ी हुई है उसको स्लाइड करते हुए ये जो एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल्स हैं उनसे नीचे गिरा दे रहे हैं। अगर आप इसे नीचे नहीं गिराना चाहें तो आप किसी कार्डबोर्ड या किसी पेपर के ऊपर इस डस्ट को रख के उसे डायरेक्ट बाहर भी फेंक सकते हैं। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखी है तो जाके उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसा कि आपने पुराने वीडियो में देख ही लिया होगा, वैक्यूम क्लीनर वाली प्रोसेस में हम ये जो हिडन डस्ट है उसको स्क्रैच करके नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन ब्रश वाले जो मेथड है उसके अंदर हम जो डस्ट वहाँ पर चिपकी हुई है कोनों में, हम उसे भी ब्रश के थ्रू रगड़ के बाहर निकाल सकते हैं। एंड जो अगर डस्ट रह भी जाती है तो डोंट वरी, हम इसे अच्छी तरह से अंदर से वेट क्लीन भी करने वाले हैं, जिसमें हम इसके गाड़ी के पूरे इंटीरियर को धोएंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक होने वाला है। तो अच्छी तरह से ब्रश से क्लीन करने के बाद देखिए, कुछ ऐसा लुक हो गया है गाड़ी के फ्लोर के वन साइड का। और अब मैं फटाफट से चलो पीछे वाले हिस्से को भी क्लीन कर देता हूँ। ये हमारे जो को पैसेंजर सीट के नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पर हम बहुत कमी से क्लीन कर पाते हैं। जब हम वैक्यूम क्लीनर भी लगवाते हैं तो वो यहाँ पर इतनी आसानी से वैक्यूम क्लीनर काम कर नहीं पाता, क्योंकि ऊपर की तरफ सीट लगी होती है। इसलिए दोस्तों, हम लोगों ने इसकी गाड़ी की पहले सीटें निकाल दी थी ताकि हमें सफाई करने में काफ़ी आसानी रहे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो सीटें निकालने वगैरह का प्रोसेस है, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी तरह से बता रखा है। अगर आपको नहीं पता कि सीटें कैसे निकालते हैं गाड़ी की, तो सीट्स को निकालने का प्रोसेस देखने के लिए आप जाके मेरी पहले वाली वीडियो को चेक करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे 14 साल पुरानी धूल जो इसमें भरी हुई है, क्योंकि गाड़ी कभी भी इतने डीप क्लीन नहीं की गई थी इसमें अपनी लाइफ में। फर्स्ट टाइम ये गाड़ी इतना डीप क्लीन हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमने पूरा फ्लोर क्लीन कर दिया है। जो भी इस साइड जो ब्रश से क्लीनिंग थी हमने पूरी कर दी है, लेकिन जो सीट बेल्ट के पीछे वाला एरिया है वहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। तो हमें इसको निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो चलो फटाफट से इसे वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से क्लीन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कि कैमरा भी मेरे ही हाथ में था और वैक्यूम क्लीनर भी मैं यूज़ कर रहा था, इस वजह से मैं उस सीन को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके रिजल्ट्स क्या है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, पहले ये किस तरह का दिखता था और ये देखिए साफ़ करने के बाद ये किस तरह का दिखने लगा। एक शॉट और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि साफ़ करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा देखिए ऊपर से साफ़ सुथरा दिख रहा था। इसी तरह से आप अपनी गाड़ी के इंटीरियर की और फ्लोर की क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटीरियर के ऊपर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो जल्दी आने वाली है, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उस बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे कि मैं जब भी अब नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी अगली वीडियो जो होने वाली है इस कार को वेट क्लीन करने के बारे में होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उसे डिश वॉशर की हेल्प से क्लीन करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो कहीं भी इंटरेस्टिंग लगी हो या इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।